अपनी कार का सपना हर किसी का होता है, लेकिन लोगों के सामने पैसों की कमी की समस्या आड़े आती है। ऐसे लोगों के लिए सेकेंड हैंड या यूज्ड कारों का बेहतर विकल्प है। इस विकल्प के जरिए लोगों को कम खर्च पर अपनी कार के सपने को पूरा करने का विकल्प मिलता है और कुछ लोग कार सीखने के लिए पुरानी कार को प्रमुखता देते हैं। ऐसे में सेकेंड हैंड कार का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ज्यादा इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। सेकेंड हैंड कार खरीदते समय कई बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जिससे कि बाद में ऐसा ना हो कि पैसे भी चले जाएं और कार लेने का उद्देश्य भी पूरा ना हो। डॉक्यूमेंट्स जैसी ज़रूरी चीज़ों की पड़ताल किए बिना कभी कभी सेकेंड हैंड कार खरीदने पर कानूनी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। अमृत विचार की टीम ने जब सेकेंड हैंड कार के कारोबार से जुड़े एक्सपर्ट से बात की, जिसे आप भी सुनिए, उन्होंने कार खरीदने को लेकर क्या कुछ सुझाव दिए। सबसे पहले तो हम गाड़ी के सबसे मेन पार्ट जो चीज है, पहले तो गाड़ी की कंडीशन कैसी है, टायर्स कैसे हैं, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, हम कस्टमर को जो है जानकारी देते हैं। उसके अलावा मेन चीज होती है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आरसी हो गई, गाड़ी की फिटनेस हो गई और गाड़ी के इंश्योरेंस हो गया। जिस गाड़ी में इंश्योरेंस होता है हम कस्टमर को बताते हैं, सर इसमें इंश्योरेंस नहीं, इसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। किसी की फिटनेस एक्सपायर हो रही तो उसको फिटनेस कम्प्लीट करके देते हैं। सबसे पहले मेन चीज तो ये कि आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे होने चाहिए। उसके फिर आप आते हैं कि आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस कैसी है, उसका मॉडल कौन सा है, कितने साल पुरानी है, फिर कितने किलोमीटर चली है। जनरली आज का बाजार में होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी कई किलोमीटर चल जाती है उसका मीटर बैक कर देते हैं। नहीं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि गाड़ी जेन्यून मीटर में रहे और किसी भी ग्राहक के साथ फरेब ना हो और उसको बिल्कुल जेन्यून मीटर में गाड़ी मिले। फिर आता है उसका इंजन ट्रांसमिशन, उसका इंजन और गियर कैसा है। अगर इंजन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इंजन कम चलाया तो गाड़ी की भी मतलब उस हिसाब से कॉस्टिंग भी तय होती है। फिर आता है आपके उसका टायर्स हो गए, मेन ये है कि टायर आज के टायर के रेट भी काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो हर कस्टमर को ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि पेंट कितनी, गाड़ी कहाँ कहाँ से पेंट है, कहाँ से नहीं पेंट है और एक्सीडेंटल तो नहीं है। कार की अगर कोई भी गाड़ी आती है, वैसे अगर कानूनी रूप से आप जाएंगे, अगर आप उस गाड़ी को रजिस्टर्ड कराने जाएंगे तो उसकी एक NCR से पूरी क्राइम रिपोर्ट निकलती है, जो जिसकी फीस भी कटती है। अगर कोई भी अगर आप बंदा अगर अपनी गाड़ी बाहर से ला रहा है और यहाँ से NOC निकाल के ला रहा है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि सबसे पहले उसकी क्राइम हिस्ट्री निकलवाइए। अगर गाड़ी में कोई क्राइम हुआ है या चोरी हुई है या कोई चालान है या कोई भी टैक्स का बकाया है तो उसमें पूरी हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद फिर गाड़ी आप रजिस्टर्ड कराइए, जिससे कि आपकी गाड़ी पूरी क्लियर हो जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जो दिल्ली NCR की उधर की जो गाड़ी है, जो टैक्सी परमिट गाड़ी है, जैसे कि इनोवा हो गई, XYZ और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो जो वहाँ पे गाड़ी जो मॉडल फेल हो जा रही है, उसके बाद उसकी NOC है यहाँ के लिए हल्द्वानी या अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और इसके अलावा और दूसरी डिस्ट्रिक्टों में रजिस्टर्ड हो रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा टूरिज्म भी बहुत फर्क पड़ा है। अब जिन लोगों ने 20-20 लाख रुपये गाड़ी ले रखी है, वो दिल्ली से 3 लाख की गाड़ी, 4 लाख की गाड़ी लेके ला रहे हैं, चला रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इन गाड़ियों पर लगाम लगनी चाहिए, जो भी बाहर की स्टेट की गाड़ी है, टैक्सी गाड़ी है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए।